नमस्कार, मैं रेहान मसीह और आप देख रहे हैं नेशन लाइव 24x7। आगामी बकरीद के मद्देनज़र शांति समिति का समन्वय बैठक का आयोजन ग्राम प्लेक्स भवन में किया गया। आपको बताते चलें कि जिला पदाधिकारी और जिला अधीक्षक महोदय ने शांति समिति में आए हुए लोगों को और सारे ज़िलेवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं दी एवं गंगा जमुना संस्कृति के सौहार्द सद्भाव एवं शांति बनाए रखने की अपील की गई। बैठक में उपस्थित शांति समिति के सभी सदस्यों से अपील किया गया कि राज्य सरकार द्वारा 7 जुलाई 2021 से दिनांक 6 अगस्त 2021 तक आंशिक संशोधनों के साथ लागू प्रतिबंधों के आलोक में जिले के सभी धार्मिक स्थलों आमजनों के लिए बंद रहेगा। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन एवं समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का सरकारी एवं निजी आयोजक पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही सभी से अपील किया गया कि बकरीद के त्यौहार मनाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि पर संबोधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं उद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया SOP को अनिवार्य रूप से अनुपालन करेंगे। और वहाँ बड़ी अच्छी आगे की रिपोर्ट मुख्तार आलम के साथ, मैं हूँ मोहम्मद रेहान मसीह, नेशनल से मैं अटेंडेंस शीट से ले लूँगा, अगर आपको वहाँ से बोला तो मैं उसको भेज दूँगा ताकि आपकी सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी। इससे सारे लोग मिलजुल करके कोशिश में करेंगे, आप हमें यकीन दिलाना चाहते हैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम लोग के दौरान इस बात को हम लोग ये तय करेंगे कि ये खबरें सब तक पहुँच जाए। बकरीद को लेकर क्या हुआ है इसमें? आज आदरणीय DM सर और SP सर के द्वारा जिला शांति समिति की बैठक की गई। जिला प्रशासन को चाहे कोई भी पर्व हो और उसी को देखते हुए हम चाहते हैं कि आने वाला बकरीद भी सबके साथ मिलकर मनाए और कोरोना गाइडलाइन को पालन करें। सर, जो नमाज में जो भीड़ होती थी उसको रोकने के लिए कम संख्या में लोग लोग अपना नमाज अपने छोटे छोटे ग्रुप बना के 3-4 लोगों के ग्रुप में पढ़ सकते हैं। वही दिशा निर्देश सरकार का भी है, जो भी धार्मिक स्थल है वो तो बंद रहेंगे, वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए अलाउ नहीं होगा, लेकिन लोग अपने स्तर पे अपने घरों में 5-6 लोग करके अपना नमाज पढ़ सकते हैं। सर, रघुनी चक गाँव जो है वहाँ आप गए थे, दौरा किया था?